ये देश को इस तरह से बनाया है कि किसी के रहने ना रहने से इस देश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बहुत अफसोस है कि हमारे बीच बिपिन रावत सर नहीं रहे, लेकिन संविधान और देश को इस तरह से स्ट्रक्चर बना के गया है कि फिर से एक सीडीएस हमारे नरवड़े साहब संभालेंगे और वो फिर से इस पद को अच्छे से संभालेंगे। अब बिपिन रावत सर थोड़े डायनेमिक थे, मतलब तेज तरह, नरवड़े साहब खराब नहीं है, बट नरवड़े साहब जो है ना मीडिया से उतना नहीं मुखातिब रहते वहां पे, वो अंदर अंदर है, समझ में आ गया कि नहीं है, एकदम समझिए छुपा रुस्तम टाइप का। अब भाई भारतीय सेना का जिसके ऊपर मेडल लग गया, जिसके ऊपर भारतीय सेना का तमगा लग गया, उस पर अगर आप शक कर रहे हैं तो आप कोहिनूर हीरा पर शक कर रहे हैं, या तो आप पागल हैं या तो आपको हीरा का मतलब नहीं पता, दोनों में से कोई एक हो सकता। लेकिन देखिए देश का संविधान किस तरह से बना के गया, हमारे आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब जरूरी है, लेकिन इस तरह से स्ट्रक्चर बना के गया से कोई नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में गया। हमारे बिपिन रावत सर नहीं है, इसके बावजूद मजाल क्या कोई देश घुस जाए भारत में? अरे नरवड़े सेना बाद में तनी बिहार की ओर से घुसना, महिलाएं ऐसा शराब पीएंगी कि बंदूक ना चलेगा। अरे ऐसा शराब पी की सब गंगा जल में आधा घुस के आरघा टाइम मिले मर जाए तो सुशत्र गोली उल्टा लग जाए तो तोरे आप। पागल हो जाएगा सुन, आए कभी बिहार में वापस देके चल जाएगा सही। आया तो था लाड कार्ड वालिस, मर गया बक्सर में, गाजीपुर में उसको क्या किया गया, दफनाया गया। आगे देखते हैं हम लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।